हे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सोचे कि आज सामने ही बैठ के कुछ बातचीत कर लिया जाए। और चाय पी रही हो? चाय पी रही। तो मम्मी, आपका कप का इमोजी बड़ा अच्छा बना है। ये देखिए इनके कप का। ये हम लोग घूमने गए थे, हाँ, मॉल में देखे, बड़ा अच्छा लगा, तब उसी समय ले लिया गया था। एक ऐसा था और एक दूसरे कलर का था। मेरा ऐसे चश्मा लगा के ऐसे गंगाधर टाइप का बना हुआ है। अरे ये तो हम देखते हैं ना, बहुत से घरों में है। हाँ, ऐसा बहुत से घर में, अच्छा भी लगता है, इसका कलर भी अच्छा लगता है। और ये मतलब जितने इमोजी होते हैं उसका है, ये अच्छा लगता है। बस इसकी सबसे, इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, कि इसका ये जो हैंडल है ना, ये बहुत छोटा है, तो ये ऐसे करने में ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। हाँ, थोड़ा सा पकड़ने में ये प्रॉब्लम करता है। अब कोई चीज अच्छा रहता है तो कुछ न कुछ तो थोड़ा खराबी तो रहता है, क्योंकि हर चीज तो परफेक्ट हो नहीं सकता है। और आज जो है हम लोग वो देखे थे हमें रिंग, वो देखिए आज तो आप लोग भी देखे होंगे, सन और शन के साइड में पूरा रिंग बना था हुआ, वो रेनबो टाइप का बना हुआ था। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा रेन, वो क्रिस्टल होता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा वो लाइट कर रहा था, चश्मे से देखा ही। और हम तो स्कूल में थे उस टाइम, तो हम गांव में गए थे एडमिशन के लिए, कि मतलब ये सर्व शिक्षा अभियान इस टाइम चल रहा है, तो हम गांव में गए हुए थे कि बच्चों को, अगर गांव में बच्चे हैं तो चले जाए। तो एक चीज तो, और दूसरा ये कि गांव में गए ना तो एकदम सन्नाटा था शाम को। हाँ, ऐसे ऊपर तो शाम को एकदम सन्नाटा था, ये पूरा देखना है, तो शाम को एकदम सन्नाटा हुआ था। अरे दोपहर में तो हमको लगा कि या तो मॉर्निंग में आओ तो ज्यादा अच्छा है, या फिर मतलब 10 बजे के बाद तो नहीं आने लायक है। और 10 बजे के बाद किसी के घर जाइए गांव में तो भी अच्छा नहीं लगता है। और उस टाइम गए थे तो धूप भी बहुत ज्यादा, धूप भी लग रही थी, एकदम सन्नाटा था। तो 8 बजे से निकल जाता है इतना तेज, लेकिन अब स्कूल धूप थी इतना तेज है, लेकिन क्या है भाई, मजबूरी है स्कूल में तो पढ़ाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा गांव गांव। तो ऐसे वो फेस कवर कर रहे थे तो ऐसे ऊपर अचानक से ध्यान गया, हम कहे ये क्या है, अजीब सा दिखा हमको। फिर देखे हम, कह रहे कि कितना अच्छा लग रहा, बीच में सन और पूरा साइड में रिंग बना हुआ था। फिर जल्दी से हम स्कूल आए, सारे बच्चों को 1 से लेकर 8 तक के सारे बच्चों को, प्राइमरी वालों को, जूनियर वालों को, सारे को निकाल करके दिखाए। हमको देखो आज तुम लोगों को कुछ अलग टाइप का चीज दिखाते हैं। रोज तो ये लगता है कि आज बच्चों को क्या सिखाएं क्या दिखाएं, तो कुछ न कुछ हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं। तो आज ये लगा कि चलो आज भगवान तुम लोगों को कुछ एक्टिविटी दिखा रहा है, तो वो अच्छा लग रहा था देखने में। इस समय तुम फोन की ना, तुरंत हम मम्मी को कॉल किए कि मम्मी आप भी देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। देखे हम भी, नहीं तो ऐसे तो कपड़ा डाले धूप में, ध्यान ही नहीं पड़ा। कुछ मौसम भी इस समय ऐसा है ना कि चेंज हो रहा है, कभी बदली हो जा रही है तो कभी धूप निकल रहा है। तो जब तुम फोन की ना तो हम भी ध्यान दिए, देखे चश्मा लगा के, देखो सचमुच एकदम गोला रिंग जैसा था, अच्छा लग रहा था, कुछ अलग टाइप का लगा। लोग कहते हैं इससे बारिश की भी संभावना है। नहीं तो जैसे वो वाला रेनबो बनता है इंद्रधनुष, वो वाला इंद्रधनुष वही रेनबो, तो वो दूसरा चीज होता है। ये सन को पूरा कैप्चर किया हुआ, तो सन बीच में था बिल्कुल सेंटर में और पूरा सर्कल किया हुआ था ये, तो ये कुछ अलग ही टाइप का था। ये मतलब हम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे हैं। आप अभी कभी इसके पहले देखी थी? नहीं ऐसा तो नहीं देखी थी, इंद्रधनुष वाला देखे। इंद्रधनुष तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंद्रधनुष की तभी हम देखे, नहीं तो क्या जरूरत देखने का। धूप में कपड़ा वपड़ा डाले, आज गेहूं भी धोना था तो हम बोले कि भाई अभी तो आटा है, लेकिन फिलहाल मौसम चेंज हो रहा है, गेहूं था हमके धो के रख दे, इसलिए छत पे उसको नहीं ले गए गेहूं डालने के लिए, यही बरामदे में ही डाल दिए थे, हमके सूखेगा आज नहीं सूखेगा कल सूखेगा, तो वही देखे। अभी हम लोग की अभी एक शादी पड़ी है, शादी में भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, जोर शोर से उसकी भी तैयारी करनी है। भाई हल्दी रस्म, हल्दी अब तो इतने मतलब ढकोसला, क्या बोले उसको, हाँ कि हल्दी रस्म नहीं है, आज के डेट का फैशन हो गया, सब चेंज हो गया। पहले वाला रीति रिवाज दूसरा था, दो एक साड़ी ले लो उसी में व्यतीत हो जाता था पूरा शादी। अब तो मतलब हर फंक्शन के लिए, हर इवेंट के लिए आपके पास एक साड़ी होनी चाहिए, एक ड्रेस होना चाहिए, और अगर कोड आ गया कि ये ड्रेस कोड रखना है तो उसका तो अलग है। अब सभी के घरों में है, जो जिस लायक है उस लायक भाई अपना इंतजाम कर लेता है। मेहंदी का अलग है, हल्दी का अलग, और शादी का है, रिसेप्शन है, उसी में सबका अलग फैशन हो गया है, उसी के हिसाब से सब अपना करते हैं, अच्छा भी लगता है। अच्छा, आपको ये गले का सही हुआ ना? हाँ, ये तो पूरा देख रही हो, कीड़ा चढ़ गया था, आवाज देख रहे हैं, आंख पे भी हो गया। अच्छा, आंख पे भी। हाँ, हम देखे, हम सोचे कि नाखून से लग गया है क्या,
देखे तो फिर नाखून से नहीं लगा। तो यही है कि मतलब बेड इतना साफ करके सोने के बाद भी ये हाल हो रहा है। पता नहीं कैसे कीड़ा से, ये कीड़े वाला ही घाव ही है, पूरा तन जा रहा है। शाम भी हो गया, सब्जी काट के रखे हैं, अभी कुछ देर में स्टार्ट करेंगे खाना बनाना। और आज आम आया था कच्चा, आज पता नहीं कि आम आया था, उसका वीडियो भी बना है, पता नहीं कैसे वीडियो मोबाइल से ही डिलीट हो गया, जो कि हम डिलीट किए भी नहीं है और गैलरी भी देख रहे हैं उसमें भी नहीं है, पता नहीं कैसे मतलब गायब हो गया, पता नहीं कैसे। फिर से कभी वो होगा तो फिर बन जाएगा उसका। चलिए दोस्तों, फिर ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए और अपने और व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप किस टाइप का व्लॉग चाहते हैं, क्या चाहते हैं व्लॉग में ये भी बताइए। हम लोग तो अभी एक मतलब एक छोटा सा अभी एक ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पास नया स्टार्ट किया और हम लोग पास ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है, तो इसलिए मतलब कोशिश करते हर दिन कुछ न कुछ बनाने का, कुछ करने का, कुछ अलग करने का। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग अभी उतना कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि एक तो पहले तो रूटीन जो हम लोग का काफी बिजी शेड्यूल है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा कर नहीं पाते हैं। बाकी अगर कुछ अलग टाइप का होता है तो हम जरूर उसको दिखाते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ। बाकी ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।